नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलोस्टॉमी। जी हाँ दोस्तों, कोलोस्टॉमी पेशेंट और कोलोस्टॉमी के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा चैनल हमेशा ज़्यादातर फोकस करता है, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो प्लीज़ 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 एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली कोलोस्टॉमी पेशेंट के लिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कोलोस्टॉमी को मैं समझता था कि टैबू है इंडिया में। टैबू का मतलब जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती, या तो समाज थोड़ा गलत समझता है, तो ऐसा मैं समझता था इंडिया में। पर दोस्तों मैं गलत था, ये इंडिया में टैबू नहीं है, ये दुनिया भर में टैबू है। मेरे बहुत सारे फॉरेन के दोस्त भी हैं जिनसे मैं बात करता रहता हूँ कोलोस्टॉमी के बारे में, तो वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ पे भी ज़्यादा बात नहीं होती, इसे भी थोड़ा अजीब टाइप की समझा जाता है। तो ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है, मतलब दुनिया पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है। तो जिनको कोलोस्टॉमी ही नहीं पता क्या होता है, मैं उनको बता दूँ कि कोलोस्टॉमी एक ऐसी सर्जरी है, मतलब बचाने वाली सर्जरी है। जब भी आपको रेक्टम कैंसर होता है, कोलन कैंसर होता है, या कोलन में कोई भी दिक्कत हो जाती है मेजर, तो डॉक्टर आपका एनस काट देते हैं हमेशा के लिए, या तो बंद कर देते हैं और एब्डोमेन के बाजू में से इंटेस्टाइन का रास्ता पॉटी निकालने के लिए कर देते हैं, और वो पॉटी एक कोलोस्टॉमी बैग में कलेक्ट होता है, तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहता है अगर परमानेंट है तो। तो मेरा परमानेंट केस है ऐसा। तो फिलहाल उस टॉपिक के ऊपर बातें बात करेंगे, अगर ज़्यादा जानना हो तो गूगल कर लेना कोलोस्टॉमी क्या होता है। तो हाँ, फोकस ये है कि लाइफ कोलोस्टॉमी पेशेंट की इंडिया में या वर्ल्ड में क्यों इतनी ऐसी, मतलब छुपाते क्यों है। दोस्तों छुपाने वाली बात तो यह है कि आप दुनिया वालों से ज़्यादा उम्मीद मत करो कि आपको हौसला देगी, या तो आपकी बीमारी को, कभी बीमारी को तो नहीं बोल सकते, मैं बीमारी नहीं है, कि इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अच्छे से रैप करके बताएगी। उनसे प्लीज़ उम्मीद मत रखो, और उनसे ये मत उम्मीद रखो कि कुछ अच्छा आपके लिए बोलेंगे, नहीं। आपको अपनी लाइफ खुद स्ट्रांग बनानी है। कोलोस्टॉमी पेशेंट को सच में दोस्तों ये चीज़ आपको मानकर चलना है कि हमें सोसाइटी की तरफ से ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिलने वाला नहीं ही है, और इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है कि हम इस चीज़ को ओपनली, गलती तो नहीं बोल सकते, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है कि हम इस चीज़ को ओपनली लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये एक मैं भी नहीं करता जल्दी से, जब तक मुझे कोई इतना भरोसे वाला इंसान ना मिले जिसके हाथ में ये सब चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ। तो ये गलती नहीं है, जब हम लोगों के सामने ये चीज़ें रखते ही नहीं हैं तो उनको हमारी प्रॉब्लम कहाँ से पता चलेगी, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है ऐसी सिचुएशन में। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, या तो फेंक रहा हूँ, या तो ज्ञान का भंडार मतलब मुंह पे मार रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं अभी इस वक्त जिनको कोलोस्टॉमी बहुत सालों से है, और वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं बोलते कि हम इस चीज़ पे मतलब ऐसा दुखी है, या तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारी सेक्रीफाइस कर बैठे। तो दोस्तों सब यही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर चुके हैं और हमारी लाइफ बहुत हद तक नॉर्मल है। तो दोस्तों मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप भी नॉर्मल हो जाओगे। मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग और भी हैं कतार में जो यही बोलते हैं कि वक्त जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको बुरा कब लगता है कि मैं कोलोस्टॉमी पेशेंट हूँ, या मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता। दोस्तों ये तब भी होता है जब हम अपने आप को एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर करते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है कि हम अभी नॉर्मल नहीं है, मतलब एटलीस्ट फिज़िकली नॉर्मल वैसे नहीं हैं। और आपको भी ये, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले बहुत सारी चीज़ करता था, भाई तब तुम नॉर्मल थे यार, मतलब तुम्हारी बॉडी एटलीस्ट नॉर्मल थी, तब तुम्हें कैंसर भी नहीं था, तब तुम्हें कुछ कोलन में दिक्कत भी नहीं होगी मे बी। तो नॉर्मल इंसान को तो ऑब्वियसली भगवान ने ऐसा बनाया, तो वो तो बेटर ही होगा ना। जो
कोई भी डिजीज़ वाले इंसान से पूछोगे तो नॉर्मल हमेशा बेटर ही होता है। उसको देख के कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है, आपको देखना है कि जब मैं बीमार था वो सिचुएशन के हिसाब से आज की डेट बेटर है या नहीं है। जब आप मोटे मोटे इंजेक्शन ले रहे थे, केमोथेरेपी के वगैरह, वो सब चीज़, इतना बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था, जब आपका कैंसर होने से पहले बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, उस हिसाब से आपको कंपेयर करना है तो यार ऑब्वियसली आपको ये सोचोगे कि एटलीस्ट सर्वाइव कर गए आप उस एटलीस्ट कोलोस्टॉमी के साथ में भी। नो डाउट ही डिफ़िकल्ट है लाइफ कोलोस्टॉमी के साथ में, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। नॉर्मल इंसान के साथ में हमेशा कंपेयर करोगे तो तुम अपने आप को नीचा ही दिखाओगे, और इसीलिए तो जब नॉर्मल आप हो तो इस चीज़ की कदर करना सीखो। जो भी इंसान अगर नॉर्मल है तो प्लीज़ ऊपर वाले से रोज़ प्रार्थना किया करो कि कोई मुसीबत में फिज़िकली ना खड़ा करे, क्योंकि बाद में पछताओगे आप लोग, सब ये सोचते रह जाओगे कि यार ऐसी बीमारी आई वैसी बीमारी आई। तो जब आप ठीक हो ना तो ऊपर वाले से प्रार्थना किया करो कि ऊपर वाले ने एटलीस्ट और कुछ दिया ने ना दिया हो, कम से कम एक अच्छा शरीर तो दिया है, तो वो चीज़ आपको करनी ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों लाइफ में कुछ भी बड़ा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी मैं बोलता हूँ। वक्त गुजरने दो, बस ये वक्त है जो सब चीज़ हील करेगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोलोस्टोमी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और सब चीज़ धीरे धीरे, मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, पर कोलोस्टोमी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हुआ तो आपको फिर से दिक्कत दे देगा। तो कोलोस्टोमी के जितने भी क्रीम्स वगैरह सब है उसको प्लीज़ अच्छे से इस्तेमाल किया करो, वो आपको नहीं तो दिक्कत दे देगा अगर आप इसको इसमें मिस्टेक करोगे तो। और बाकी कहीं पे भी कुछ भी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आएगी तो एटलीस्ट मेरे वीडियोस देख लेना, लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो बस यही था ये वीडियो में। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है कोलोस्टोमी से लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। कोलोस्टोमी से रिलेटेड मैं शादी कब करने वाला हूँ उससे रिलेटेड नहीं, कोई बहुत बड़ा सलमान खान नहीं हूँ मैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है और आपको लगता है कि किसी और को शेयर करके उसको भी हेल्प करेगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसे वीडियोज़ मैं और भी बनाऊँगा और बनाते रहूँगा, और मेरे व्लॉग्स भी बनाऊँगा, मतलब हर चीज़ बनाऊँगा। मज़ाक कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।